बड़ी खबर है सीधी से, जहां कोरोना के अभी जो कहा जाए कहर खत्म नहीं बा, किंतु दूसर नई परेशानी जो है मुंह बैठाड़ी। हालात यह है कि सीधी माँ ब्लैक फंगस अब बेहद तेजी से दस्तक दे रही है। जो ने माँ अपना कहा, बीते दिन एक खबर दिखे हो जो ने माँ एक महिला जो है ब्लैक फंगस से उनका दुखद निधन भर रहा हूँ। चोरगढ़ी के निवासी आई, यह में एक दूसर मामला जो है सीधी के जमुरी से आवा है सामने, जहां एक युवक माँ ब्लैक फंगस के संदिग्ध मतलब ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। दिन क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का समय जन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। जो ने अपना पंचन को बता दी, सीधी जिला में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज सामने आवा है, जेकर पुष्टि चिकित्सकन के द्वारा लक्षण के आधार पर की जा रही। जिला में जांच और उपचार के सुविधा न होने के कारण संदिग्ध का संजय गांधी चिकित्सालय रीवा क्षेत्र रेफर की गई। वहां जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाई कि संदिग्ध ब्लैक फंगस से पीड़ित है या नहीं। अपना परिचय बताया दी कि शहर के जमोड़ी निवासी दीपक सिंह अहरवार का तेज बुखार और सिर में तेज दर्द होए के उपचार खातिर जिला चिकित्सालय में भर्ती करा बगा, जहां चिकित्सकन के द्वारा सीसीयू वार्ड में भर्ती करके उपचार प्रारंभ किया। मरीज के गले और चेहरा में सूजन रही और आंख में धब्बा के निशान होए पर ब्लैक फंगस होए के संभावना के साथ पुष्टि की जा रही, किंतु जो है मरीज का सही उपचार न मिले के कारण उनका जो है स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जिला चिकित्सालय में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजन के जांच और उपचार की थी, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। बताया यह कहा कि ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज का एम्फोटेरिसिन बी जो है यह दवाई देख पड़ा थी, किंतु अभी तक जिला में उपलब्धता नहीं आए। एक साथ जो है जांच करें के सहित अलग से वार्ड बनावे के निर्देश के पालन सुनिश्चित नहीं किए गए। अपना प्रतिक्रिया बताई दी कि जिला में सुविधा न होने के कारण चिकित्सकन के समक्ष रेफर करे के मार्ग खुला है। पाए गए संदिग्ध संक्रमित का आज जो है मेडिकल कॉलेज रीवा के चर्चा के उपरांत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा रेफर कर दिया गया है, तब जाके समुचित उपचार मिले की संभावना है। तब जहां अपना प्रोजेक्ट बताया दी कि हालात यह है कि सीधी माँ ऐसा संदिग्ध मरीजन के हालात जो है भगवान भरोसे चल रहा है। और अपना प्रोजेक्ट बताया दी, यह पूरे मामला में डॉक्टर आईजी गुप्ता जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि एक मरीज जिला चिकित्सालय में उपचार खातिर आवा है, जिसके लक्षण का देखत कि ब्लैक फंगस की पुष्ट हो रही है, किंतु यह इंजेक्शन सहित जो है अन्य सुविधा न हो के कारण रीवा रेफर किया है। तो निश्चित तौर पर किंतु यह पूरे मामला में हमारे द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से बात की जाए, तो उनके द्वारा यह ब्लैक फंगस के बात का जो है ब्लैक फंगस बीमारी का सिरे से नकार दिया। हालात यह है कि सीधी माँ यह ब्लैक फंगस से लड़े खींचती रहा, अभी तक जिला चिकित्सालय प्रबंधन के लगे कौनो इंतजाम नहीं आई। सवाल यह है कि यदि यह महामारी के दौर में यह में बीमारी आ रही है, तो इन्हों खितिर का ही व्यवस्था नहीं की जाए। समय राहत यदि हमरे लगे तैयारी हो जाए, तो आगामी दिनन में यदि ऐसा लोग आवाते तो उनका जान बचाई जा सकती, किंतु अबे हम भरोसे के हैं भगवान के। हालात यह कहा है कि यहाँ से सीधी से रीवा रेफर करब, तब तक मान ली यदि मरीज की हालत ज्यादा खराब होती तो निश्चित तौर पर जान मां संकट जरूर आएगी। तो आप बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।